गार्ड बॉक्स की व्यवस्था को समाप्त करने और ट्रॉली बैग की नई व्यवस्था को लागू करने के खिलाफ शुक्रवार को गोरखपुर के डीजल लॉबी पर गार्डों ने आक्रोश व्यक्त किया। गार्डों द्वारा बताया गया कि लखनऊ मंडल के वरिष्ठ मंडल परिचालन ने आदेश दे दिया था कि गार्ड ड्यूटी पर अपना ट्रॉली बैग लॉबी से गार्ड ब्रेक तक खुद ले जाना पड़ेगा। इसका विरोध करने के लिए गार्ड सुबह से ही डीजल लॉबी पर इकट्ठा थे और उन्होंने कहा कि हम इस तुगलकी आदेश को नहीं मानेंगे, लेकिन लखनऊ मंडल इस जिद पर अड़ा था कि वो हर हाल में इसे लागू ही कराएगा। इस सिलसिले में गोरखपुर से नौतनवा जाने वाले इंटरसिटी एक्सप्रेस पर ड्यूटी के लिए बुक किए गए 3 गार्डों ने साइनिंग ऑन करने के बाद यह कहकर काम करने से मना कर दिया कि जब तक हमारा गार्ड बॉक्स पोर्टल द्वारा ब्रेक में लादा नहीं जाएगा तब तक हम अपना काम नहीं करेंगे। उनके इस रुख से प्रशासन बैक फुट पर आ गया और पुरानी व्यवस्था को लागू कर दिया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीजल लॉबी के दया शंकर चौधरी और पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के महामंत्री विनोद राय ने कहा, संरक्षण से खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पैसेंजर के जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करो, सुरक्षित ट्रेन परिचालन सुनिश्चित करो, सुरक्षित ट्रेन परिचालन सुनिश्चित करो, करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। असुरक्षित परिचालन बंद करो, बंद करो, बंद करो। खतरे में डालना बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रशासन तू पैसेंजर के जान माल को खतरे में डालना बंद करो, बंद करो, बंद करो। दया शंकर चौधरी, वर्किंग प्रेसिडेंट डीजल लॉबी गोरखपुर, पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी हूँ। और आज का जो ये हम लोग का जो विरोध है, विरोध प्रदर्शन है, ये प्रशासन के अन्यायिक निर्णय का विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये अन्यायिक इसीलिए है कि जब गार्डों की जो भर्ती प्रक्रिया होती है, गार्डों का ट्रेनिंग होता है और गार्डों की जो कार्यशैली है, उसमें कहीं भी हमको ढोने जैसी व्यवस्था से हमको नहीं गुजरना पड़ता है, या हमें चतुर श्रेणी के कर्मचारियों जैसा काम हम पर लागू नहीं होता है। तो लेकिन अब रेल प्रशासन क्या कर रही है, जो बक्सा ढोने के लिए जो इंटाइटल कर्मचारी थे उनको हटाकर उनके काम को हम पर लाद रहे हैं। पहले क्या था, जो पुरानी व्यवस्था के तहत जो लोहे के बक्से होते थे उसमें रेल का सामान रेल परिसर के अंदर और सुरक्षित रखे जाते थे, बारिश से और हर किसी मौसम से वो सारे सामान सुरक्षित रहते थे। उसमें रेल के सामान में टेल लैंप होते थे, HS लैंप होते थे और डेटोनेटर, जिसको पटाखा विस्फोटक जिसको बोलते वो होते थे, झंडी रहते थे, LB बोर्ड होते हैं और कई सारे किताब होते हैं, नियम के किताबें होते हैं, हाँ फर्स्ट एड बॉक्स होता है जो यात्रियों के इंजुरी के लिए काम आता है। ये सारी चीज़ सुरक्षित रखे जाते हैं ताकि उसमें चोरी ना हो और रेल परिसर के अंदर वो चीज़ सुरक्षित रहे। प्रशासन क्या कर रही है, अब इसके एक ट्रॉली बैग के माध्यम से हमसे रेल परिसर के बाहर इसको ले भिजवाना चाहती है, भिजवाना चाहती है। ऐसे में क्या होगा, जो संरक्षा के उपकरण है वो प्रभावित होगा और गार्ड का वर्किंग क्लास भी प्रभावित होगा, हमारा वर्किंग कंडीशन ही प्रभावित होगा। हम गार्ड से गोली के स्तर तक आ जाएंगे, क्योंकि गार्ड रेलवे का एक सिंबॉलिक छवि है। पूरे भारतीय रेल में गार्ड को ही भारत का शुभंकर, भारतीय रेल का शुभंकर माना गया है और शुभंकर जो कि रेल का पहचान है, एक आम आदमी के जेहन में गार्ड का तस्वीर भोलू गार्ड के तौर पर आता है, अगर वो कुली के रूप में दर्शाया जाए तो भारतीय रेल छवि की कहीं ना कहीं अपमान है, अवहेलना है। तो कहीं ना कहीं भारतीय रेल या रेल प्रशासन गार्ड को ऐसे छवि में लाकर गार्ड का नहीं पूरे रेल का अपमान कर रही है। तो हम इसी के विरोध में है, हम रेल की छवि को खराब नहीं होने देना चाहते हैं, हम गार्ड की छवि को खराब नहीं होने देना चाहते। गार्ड एक सुपरवाइजर पोस्ट है, सफ़ेद ड्रेस में टोपी के साथ टाई लगाकर बिल्कुल गार्ड लगता है कि नहीं, रेल का एक बहुत बढ़िया छवि जो है प्रस्तुत कर रहा है। पब्लिक डोमेन में हम रेल को इतने अच्छे से प्रस्तुत करते हैं, लोग जानते हैं कि है ये रेल है, तो हम इस छवि को खराब नहीं होने देना चाहते और इसके विरोध में हम आ रहे हैं और आगे भी ये निरंतर जारी रहेगा। जब तक प्रशासन हमारी लॉफुली, हमारा न्यायपूर्ण बात हमारी बात को न मान ले, तब तक हम इस पर अनवरत हम लोग बैठे हैं। सर विनोद राय, महामंत्री, पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ, वर्किंग कमेटी मेंबर, NFIR, नई दिल्ली। ये गार्ड और ड्राइवर का जो बक्सा है वो बहुत, यह बहुत बाबा आदम के ज़माने से चला आ रहा है और इसका रूल है, रूल के हिसाब रेलवे बोर्ड और रेलवे बोर्ड नियम बनाता है। बाग को बंद करने के लिए अभी रेलवे बोर्ड की स्पष्ट निर्देश नहीं है। अभी JCM मीटिंग में, JCM मीटिंग में ये रेलवे बोर्ड में तय हुआ था कि अभी बॉक्स को चालू रखा जाएगा, बॉक्स गार्ड के जो पोर्टर है वो ले आएगा, रखेगा और उसको चालू रखा जाएगा, लेकिन बिना बोर्ड के आदेश को
जोनल रेलवे पर लागू किया जा रहा है। इस पर कई बार पत्राचार किया गया, गार्ड काउंसिल ने भी किया और उसके बाद NFIR ने PRKS ने भी लिख करके महाप्रबंधक को दिया है। हमारा मानना है कि कर्मचारी का बोर्ड के अनुसार, रेलवे बोर्ड के अनुसार हम लोग रेल का काम करते हैं। रेलवे बोर्ड का स्पष्ट आदेश दिखा दें कि गार्ड का बक्सा बंद करने के लिए आदेश हो गया है, नहीं हुआ है अभी, जब तक उनका डिसीजन नहीं आता है तब तक गार्ड बॉक्स को चालू रखा जाए, यही डिमांड हमारा जो है। बॉक्स में सामान रहता है, इसमें ज्वलंत पदार्थ रहते हैं, पड़ाका रहता है, इसमें विस्फोटक का पदार्थ रहता है, हम कैसे लेकर के चल सकते हैं? उसको रखा जाता है, वो बॉक्स पोर्टर रखता है, हम उसके बाद गाड़ी हम लोग ले करके चलते हैं और उसका जो पैसा मिलता है, भत्ते मिलती है, उसकी कटौती होती है उनकी। अब इसका रूल बना हुआ है, रूल को फॉलो कर रहे हैं, रूल को रेलवे बोर्ड डिसीजन नहीं किया, जोनल स्तर पर आपने लागू कर दिया कि बॉक्स बंद कर दिया जाए। इसी पर गार्ड सारे इकट्ठा हुए हैं, सारे गार्ड इकट्ठा हुए हैं, ड्राइवर का भी धरना चला है, तमाम धरने चले हैं। तमाम रेलवे जोनों पर अभी लागू नहीं किया गया है। अभी साउथ सेंट्रल रेलवे में हमारी डॉक्टर राघवैया जी से अभी बात हुई ऑन द स्पॉट, जो ऑल इंडिया के लीडर हैं NFIR के डॉक्टर राघवैया जी, वो GCGCM मीटिंग में बैठे हुए थे, डिसीजन अभी नहीं हुआ। उन्होंने बोला GM को आप पत्र लिख करके दो और उसके बाद बताओ कि अभी जब तक डिसीजन नहीं आता तब तक बात चालू रहेगा। हमने लिख करके दे दिया, उसके बाद भी नहीं माना। आप हर बात में बोर्ड का लेटर दिखाते हैं, आप बोर्ड का लेटर दिखाइए। मांगे पूरी नहीं तो क्या डिसीजन? मांगी नहीं पूरी होगी। अगर कर्मचारी अगर खड़ा है कि हम अपना हमारा अधिकार मिलना चाहिए, तो यूनियन का भी कर्तव्य है, पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ अगर गार्ड खड़ा है, हमारे कर्मचारी खड़े हैं, तो मैं उनका पूरा साथ दूंगा और लड़ाई को अंजाम पहुंचाने का काम किया जाएगा। जब तक कि बोर्ड का स्पष्ट निर्देश नहीं आता है तब तक लड़ाई चलेगी।